एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक टॉपर की कॉपी एक आपकी कॉपी, यानी कि दोनों में ऐसा कौन सा डिफरेंस होता है जिसमें आपके नंबर कट जाते हैं लेकिन टॉपर के नहीं। तो इन सभी चीजों पर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक टॉपर की कॉपी जिसमें मैं आपको वो हर एक पॉइंट बताना चाहती हूँ जो कि आपको एग्जाम में अवॉइड करना है। आपको टॉपर की कॉपी से कुछ चीजें सीखनी है और आपको याद रखना है कि चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, उनको आप कॉपी में कैसे लिखोगे, हर एक चीज की जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी टॉपर के द्वारा उनकी कॉपी के अंदर किस तरीके से चीजें लिखी जाती है। पूजा मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि आपको पूरी तरीके की जानकारी पहले भरनी होती है। एग्जाम के टाइम पर आपके 3 घंटे होते हैं पेपर को हल करने के लिए। हमेशा पेपर में 15 मिनट पहले जरूर पहुंच जाइएगा बच्चा। वो जो 15 मिनट होते हैं आप लोगों के एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए ही होते हैं। जब आप एग्जाम में पेपर पूरा पढ़ लेते हो तो आपको समझ पड़ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद आपको कॉपियां दी जाती है ताकि आप फिल कर सको और फिर आपको कहा जाता है कि आप अब अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। तो यही एक समय है जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो और पूरा टारगेट कर सकते हो अपने 100% की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस टॉपर की कॉपी और सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये लीजिए, आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ मैं ये कॉपी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको पूरी जानकारी तो स्वयं ही फिल करनी है। बट अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेन तो हमारे क्या है, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे। तो चलिए, जब भी कोई बहुविकल्पीय प्रश्न आता है या कोई भी आपके पास ऐसा प्रश्न है जो कि एक वाक्य का हो जाता है जनरली, तो उसको हमेशा आपको सिर्फ प्रश्न का मार्क आपको लिखना है एंड उसको सॉल्व करना। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास में लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 जनरली हमारे पास में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो आपको क्या करना है कि उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को एज इट इज बस लिख देना है। आपको पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर एंड इस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे कोई भी पूरे पूरे प्रश्न को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस याद रखिए, हर बार आपको बस प्रश्न का क्रमांक लिखना है और उसका उत्तर लिखने के बाद आपको चालू हो जाना है। प्रश्न लिखने में समय बर्बाद ना कीजिए। देन आपके पास में जैसे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, ये जो पेपर है ये एमपी बोर्ड का पेपर होता है जिसके अंदर आपके पास में एक वाक्य में उत्तर होते हैं, रिक्त स्थान भरने होते हैं, सही जोड़ी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी प्रश्न में अतिरिक्त समय ना गवाते हुए सिर्फ और सिर्फ सीधे उत्तर लिखे गए हैं, यह भी मान्य होता है। आपको अतिरिक्त प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे। देन आप लोग देख सकते हो हमारे पास में जो सही जोड़ी है, सही जोड़ी में सामने लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है, हमारे पास में जो सही जोड़ी मिलान में यही होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि सोडियम अतिक्रियाशील धातु, नेफ्रॉन प्रकृति की संरचनात्मक इकाई, तो ये सभी के सभी सही जोड़ी है। तो आप बीच में डैश लगा करके इसका मिलान कर सकते हैं और फिर से प्रश्न को आप देखो कि यार जैसा प्रश्न था वैसा का वैसा ही है। और फिर हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के सामने के सामने उत्तर। और फिर आप लोग देखो अब कि एक वाक्य वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे लिखते हैं ना बेसिकली। तो हमारे पास में जो एक वाक्य वाले प्रश्न होते हैं उनको एक ही लाइन में आपको लिखना है। इसको मतलब ही हमारे पास होता है कि एक वाक्य। तो यार ये एक वाक्य में लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला कार्बन जो हमारे पास में वर्णक है उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, दो जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम है, दर्पण का सूत्र आप लोगों ने लिख दिया। तो कई जगह पे कुछ विद्यार्थी इसको डायरेक्टली 7 क्लोरोफिल या इसको घेंगा रोग है ना, कोयला और पेट्रोलियम, दर्पण का सूत्र डायरेक्ट भी लिखते हैं। यानी आपको अगर सीधा उत्तर लिखना है तब भी इस पे आपके नंबर नहीं कटने वाले, और अगर आप सीधा सीधा ना लिखते हुए पूरा पूरे वाक्य में उत्तर लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर आपके नहीं काटेगा। चलते हैं फिर हम लोग बच्चा जो हमारे पास में छोटे प्रश्न होते हैं, जनरली ये प्रश्न होते हैं आपके पास में जो दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो दो दो नंबर के प्रश्न के लिए आपके लिए 5 से 6 लाइन बहुत होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन अपने पास में केमिस्ट्री का जहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास में जंग से बचाव के उपाय क्या होते हैं, तो आप देख सकते हो प्रॉपर लिखा गया है कि लोहा क्या है,
है, क्योंकि ये बताना जरूरी होता है जब भी दो नंबर के क्वेश्चन आए। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि हम लोग लोहे की क्रियाशीलता को वायुमंडल और नमी से बचाने के लिए पेंट लगा देंगे तो हमारे पास में लोहे पर जंग नहीं लगेंगे। आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है। आप लोग देख सकते हो कि लोहा एक अभिक्रियाशील धातु है जो वातावरण की नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन से क्रिया करके इत्यादि और वो बना लेता है, और फिर उसमें हमारी भाषा में जंग बोलते हैं, और इसके कारण लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने लगती है। अतः संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। तो यार ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो दो नंबर में आपको कैसे लिखना है ये जवाब है। अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में आता तो आपको सीधा लिखना था कि यार एक नंबर के हिसाब से हमारे पास होता है कि जंग के कारण लोहे की वस्तु संक्षारित होने लगती है, अतः वायुमंडल से संपर्क तोड़ने के लिए हमें उसके ऊपर पेंट करना जरूरी होता है। तो आप इसको एक नंबर में ऐसे लिखते हैं, जबकि दो नंबर में आपको पूरा समझाना है। देन आपके पास में अगला क्वेश्चन जो है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या होती है। तो आपको देखो यहाँ पे दो नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना है कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, क्योंकि जितना पॉइंट में लिखोगे उतना नंबर आपको मिलेगा, नंबर कोई भी नहीं काटने वाला। देन आपके पास में अगेन जो क्वेश्चन है, आप देखो ना कि परागण पूछा हुआ है, प्रॉपर परागण की डेफिनेशन है। दो दो नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, तो आपको भी ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं करने हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जितने नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा उसी के हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। अब आपके पास में जैसे यहाँ पे फिजिक्स का एक क्वेश्चन है यार, भौतिकी का, कि अवतल दर्पण का जो हमारे पास में मुख्य फोकस है वो क्या है। तो आपको पूरी तरीके से चित्र को समझाना है, क्योंकि आपके दर्पण के और जितने भी आपके लेंस वाले चैप्टर है इनमें जितने चित्र होते हैं बेटा उतना ज्यादा पूरा पूरा नंबर लाने की आपकी संभावनाएं होती है। तो चित्र वाले प्रश्नों में जरूर चित्र बनाइए, क्योंकि वो जरूरी है, आपको समझाना तो आता ही है, ठीक है। देन आपके पास में जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास में, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चे ने बहुत अच्छे समझाई हुई है। आप देखिए यहाँ पर, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित करके उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पूरा तरीके से उदाहरण समझाया गया है। अगर यही प्रश्न मान लीजिए थोड़ा लंबा खींच लिया, चार नंबर में आ गया, तो आपको समझाना है कि जो हमारे पास में कॉपर है ना, वो कम क्रियाशील धातु है, लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो लोहे ने क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। आप इस तरीके से भी इसे क्या कर सकते हो, समझा सकते हो डिटेल में, नंबर आपके कहीं पर भी नहीं कटेंगे। सो डोंट वरी, चिंता की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सेम आपसे पूछा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से परिभाषा लिखी है, प्रॉपर टॉपिक को अंडरलाइन किया हुआ है। आप इसको सेम लाइन में चालू कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि और सिस्टमेटिक लिखना है तो आप इसको नीचे वाली लाइन से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर अगेन उदाहरण लाइन छोड़ी हुई है एंड एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और पूरा का पूरा समीकरण और यहाँ पे जो भी हमारा यौगिक था उसका नाम लिखा हुआ, जैसे BaCl2 को प्रॉपर बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर अगर आप चाहो एडिशनल ऐड करने के लिए कि यार नंबर ना कटे, तो आप बेटा इसकी अवस्थाएं भी लिख सकते हो, जैसे BaCl2 सॉलिड होता है तो आप यहाँ पर S लिख सकते हो, है ना। तो आप इस तरीके से भी क्या करने वाले हो, उसको सॉल्व करने वाले हो, सॉरी आपके पास में यहाँ पे BaCl2 को आप एक्वियस सॉल्यूशन यानी AQ में भी लिख सकते हो। देन आप सभी देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की संरचना। तो देखिए बेटा पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको सिस्टमैटिक बनाना है। ये मैटर नहीं करता आप पेन से बना रहे हो, पेंसिल से बना रहे हो। जनरली होता यह है कि पेंसिल से बनाया वाला हल्का सा बहुत धीमा, मतलब मटमैला पड़ जाता है। इसीलिए अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो, काले पेन का यूज़ कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, नॉर्मल है, तो आप क्या करने वाले हो कि यार आप पेंसिल का ही उपयोग कीजिए, रंग रोगन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर है यार, पेपर में हमको सिर्फ समझाना होता है। तो प्रॉपर हर चीज़ को तीर के माध्यम से दर्शाइए। आप देखिए जहाँ से जो भी डायग्राम को शो किया जा रहा है उसमें प्रॉपर एक तीर का चिन्ह है, और ये तीर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप कोई भी चित्र बना रहे होते हैं तो ये तीर के निशान आपको बताना पड़ता है कि ये किस एरिया को, किस जगह को बताते हैं। इस पर आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। अब आते हैं आपके पास में जो चार चार नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, शायद उसकी बारी आ गई अपने पास में, है ना। देखो तो चार चार नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है, ज़्यादा आपको कोई भी नंबर, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा खींचना नहीं, जितना खींचोगे यार नंबर उसमें करते चले जाएंगे। आप लोग देखो यहाँ पे अगेन हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे विद्युत जनित्र, अब यार ये वाला
जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास में कि बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो चीज़ें करते हैं जनरली हम रटते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझा नहीं पाते। जैसे यहाँ पर अब विद्युत जनित्र का चित्र बनाया गया है और प्रॉपर समझाना था इसका, तो यार होता क्या है जनित्र में, यहाँ पर इस बच्चे को यहाँ पर एस लगाना चाहिए था लेकिन इसने एन लिखा, तो यहाँ पर इसके नंबर ज़रूर कटे होंगे। सेम चीज़ ये है कि हमारे पास में जो भी हमारा यहाँ पे कुंडली होती है ना, हमारी जो आर्मेचर होती है यार, इसके ऊपर ना आपको दिशा बताना बहुत जरूरी होता है, आपको बताना पड़ता है क्योंकि ये जनित्र है कि किस दिशा में हमारी धारा जो है वो उत्पन्न हो रही है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये जो ब्रश है, जो भी विभक्त हमारे पास में जो भी वलय होता है वहाँ पे हमें समझाना पड़ता है कि धारा की दिशा क्या होगी, किस तरीके से आएंगी। तो इन सब पे ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो छूट गई है और आपको इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं बेटा। यहाँ पे अगर आपके नंबर कट गए तो अगर आपका मान लीजिए उस पर एक नंबर भी कटता है तो आपके नंबर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपको इन सब गलतियों को बचाना है, आपको ये काम नहीं करने हैं। देन आप लोग देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं घटेगा। अब देख लीजिए आपके पास में हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, धोने के सोडे के उपयोग, तो प्रॉपर आपको सोडे के उपयोग बताए गए हैं, धोने के सोडे के भी और बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के भी उपयोग बताए गए हैं। चार नंबर का क्वेश्चन था तो बेटा दो दो उपयोग बता दिए हैं दोनों के, कोई नंबर नहीं काटेगा क्योंकि चार नंबर में आपसे अगर जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं उपयोग वाले तो आप इस तरीके से प्रॉपर उपयोग समझा सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे इसमें। देन आपके पास में है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सबको पता है बहुत आसान होती है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे पास में मिथेन की संरचना है और इसमें तो बेटा नंबर आपके कटने ही नहीं चाहिए। आप देख लीजिए जो भी प्रश्न है हमारे पास में उसका अ का उत्तर व, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है ना अथवा में क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पे शो करना है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न है उसका कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर आप कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि प्रश्न में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने बता दिया, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो कि आप ऑलरेडी जानते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, साझा होते हैं, साझेदारी होती है। देन आपके पास में आप ऐसे ही एथेनोइक अम्ल की संरचना है, ब्रोमो पेंटेन की संरचना है, तो इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे इस बच्चे ने क्या नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमें क्या करना होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होता है। अब यहाँ पे बोला है एथेनोइक अम्ल की संरचना जो कि इस क्वेश्चन का ब का उत्तर है, तो आप सीधा ब का उत्तर लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एथेनोइक अम्ल जो हम जान रहे हैं सूत्र होता है CH3COOH, ब्रोमोपेंटेन हम जान रहे हैं C5H11Br, तो आपको दोनों के फॉर्मूले भी लिखने हैं और फॉर्मूले लिखने के बाद आपको उसकी संरचना बनानी है। ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते ही और ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, IUPSC से ज़्यादा बेटा संरचनाएँ पेपर में पूछी जाती है। देन आपके पास में बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चे की जो चित्रकला की एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी इसने ट्राई किया है, परंतु इसने हर एक भाग को देखिए किस प्रकार से तीर के निशान के माध्यम से समझाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम लेबलिंग, इसको बोलते हैं लेबलिंग करना, यानी कि जब भी हम किसी प्रकार के चित्र को नामांकित करते हैं तो यह तीर के निशान बताता है कि किस जगह पर कौन सा हिस्सा है, ठीक है। देन ये देख लीजिए तंत्रिका कोशिका, सेम टू सेम आपके पास में हमारे कुछ विद्युत अवयव थे उनके चित्र बनाने का है ना, अथवा में क्वेश्चन होते तो ये तो इजी होते हैं। सेम टू सेम अब अयस्क और गैंग के बारे में पूछा गया है ना, धातु और अधातु के बीच में जब, हाँ अब ये जो अंतर वाले क्वेश्चन, अब मैं इसके ऊपर चलती हूँ, अंतर वाले क्वेश्चन कितने अच्छे से आपको लिखना है। याद रखिए जब भी आप अंतर लिखते, चाहे धातु हो चाहे वो अधातु हो, दोनों में ही आपको मेन जो पॉइंट लिखने हैं वो है रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे गुणधर्म का मतलब होता है कि इनके ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लों के साथ में अगर धातु क्रिया करी तो क्या करी और विद्युत आवेश इन पर कैसा होता है। तो हम सब जानते हैं धातु विद्युत धनात्मक होती है, धातु ऋणात्मक होती है, अम्लों के साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती धातु, जबकि हमारे पास में अधातु नॉर्मली
जनरली क्रिया नहीं करती है ना। इनके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, किसके, अधातु के, जबकि हमारे धातुओं के क्षारीय प्रकृति के होते। तो यार इस पर तो कोई नंबर काटेगा ही नहीं, तो जब आप ऐसे लिखते हो तो नंबर कोई भी नहीं काटेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन आप लिख रहे थे और गलती से आपने कुछ गलत कर दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, तो आपको दो काम कर सकते हो कि जिस जगह पर आप लिख रहे थे आप उस पर एक प्रॉपर सीधी सिंपल सी लाइन लिख दो और वहां पर आप उसको कट लगा करके आगे बढ़ जाओ और यहाँ पे प्रॉपर स्केल से लाइन खींच दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, कुछ प्रश्न आपका गलत हो गया है, तो ये आप काट करके आगे बढ़ सकते हो और वो चीज आपको वहीं पे लीव कर देनी, ताकि जो भी चेक करने वाला टीचर होता है वो अपनी सुविधा देखता है कि यार मैं कैसे चेक करूं, तो वो यहाँ पे कभी भी आप लोगों को मतलब नंबर नहीं काटेगा, आपको बस उसको इग्नोर करके वापस से शुरुआत करना है। अब जैसे इस बच्चे ने क्या किया हुआ यहाँ पर, सभी लोग देख लीजिए, अगर मैं रबर से मिटा देती हूँ तो इस बच्चे ने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है नो डाउट, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे वो एक लाइन खींच देगा तो ये किस प्रश्न का उत्तर है उसे पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो किसी प्रकार का, तो उसके नीचे ही सीधा उत्तर चालू कर दे, वरना फिर ये वाली गड़बड़ हुई तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो, तो आपको हमेशा प्रश्न के नीचे सीधा उत्तर लिखना चालू करना चाहिए। तो ये हमारे पास में है बेटा, एक आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। चूंकि एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर इतने टफ भी नहीं होते, क्योंकि हमेशा अथवा में बहुत एक आसान क्वेश्चन आ जाता है, बट यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड हमारे जितने भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात याद रखना है कि पेपर लिखने का तरीके पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन मैटर करते हैं। कई बार पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, कई बार घुमा के पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे दीर्घोत्तरीय हो। देखो यहाँ दीर्घोत्तरीय में उस बच्चे ने कभी भी देखो यहाँ पर कि ये इसका एक पेज है, ये दूसरा पेज है, इससे ज़्यादा उस बच्चे ने दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन के आंसर लिखे ही नहीं, यानी कि कम पेज है, ज़्यादा भर भर के नहीं लिखा है, पर जो भी लिखा है आप देखिए पढ़िए यार, जो भी लिखा है वो ऐसा लिखा है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी घुमा फिरा करके चीज़ें नहीं लिखी है। ये आपको पेपर में बहुत 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 मदद करेंगी। तो आई होप कि सबको ये पेपर देखकर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अदर सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू।